हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपके एक बार फिर से स्वागत है। एक वीडियो आ चुकी है यहाँ पर। इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ऑपरेटर बड़े गेम प्लान कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 40% 2 दिन में यहाँ पर भगाया है। इन्वेस्टर्स यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस चीज को देख के कि 2 दिन में 40% भाग गया, तो अगले 2 दिन में फिर 40% भागेगा और एक साल में आपको 200-300% के रिटर्न दे देगा, तो वो फंस जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि आप ऊपर लेवल पर फंस जाएंगे और बेकार स्टॉक में फंस जाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ऑपरेटर का गेम प्लान समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, जिसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन। इंटेलेक्ट डिजाइन, जैसे कि आपने देख ही लिया है थंबनेल में, क्या करती है, कैसी कंपनी है, क्या क्या यहाँ पर टारगेट बन रहे हैं, तो चार्ट ऑफ द वीक में लेके आए आपके लिए। और इसमें हम बात करेंगे इंटेलेक्ट डिजाइन से रिलेटेड। काफी बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। कंपनी काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भागने को तैयार है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड आज वीडियो है। पहले ही बनाई थी, तब भी भागा था, अगेन बना रहा हूँ, दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा और एक पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही हम यहाँ पर अच्छी खासी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म पर्पज और हमेशा आपको किस तरीके से बचना है स्टॉक मार्केट में, वो भी आपको सिखाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हमेशा स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, तो आपको यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड भी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि इंटेलेक्ट डिजाइन से रिलेटेड बातें करेंगे, 26 जुलाई को ये शेयर 892 रुपये तक गया था, ओके। और जिस दिन जब ये रैली हुई थी, 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर आपको वीडियो बना के दी थी, और 600 रुपये से कैसे यहाँ पर 892 रुपये पे ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, वो भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तब देखेंगे। बट 9 दिसंबर 2020 को 273 रुपये पे ये शेयर था। डिलीवरी बेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 43% की यहाँ पर डिलीवरीज भी उठाई गई है। और यहाँ पर कुछ और पैरामीटर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके से आते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर 30% के शेयर, लगभग 31% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। और यहाँ पर कंपनी के बारे में और कुछ जाने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी जैसे कि इंटेलेक्ट डिजाइन और डिजिटल फॉर डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, आईटी कंपनी एक है एक तरीके से। यहाँ पर देखें तो नंबर 1 रिटेल बैंकिंग में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, जिस सेक्टर नंबर 1 ट्रांजेक्शन बैंकिंग में, इंश्योरटेक, मतलब अगर बात करें ओवरऑल तो कंपनी यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज है, जो आईटी जो काम करती हुई दिखाई देती है, तो वो अपनी सर्विसेज रिटेल बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पर देती हुई दिखाई देती है। तो काफी बेहतरीन यहाँ पर कंपनी नजर आती है। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में और जानने के लिए इनकी एक वेबसाइट को यहाँ पर विजिट कर ले तो आपको पता चलेगी। इंटेलेक्ट Q2 फाइनेंशियल ईयर 20 रेवेन्यू रजिस्टर्ड 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है कंपनी की। कंपनी काफी बेहतरीन है, मुझे पर्सनली पसंद है, काफी टाइम पहले आपको बार बार वीडियो बनाई हुई है। कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दी है, कंपनी ओपन बैंकिंग APIs में कंपनी काम करती है, ऑन क्लाउड में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है, एक बार इनका फिनटेक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। बड़े बड़े अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर के साथ ये कंपनी जुड़ी हुई है, इनके अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक बार इनकी वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक बार आइडिया आता हुआ दिखाई देगा कि कंपनी यहाँ पर क्या क्या चीज, किस किस प्लेटफॉर्म पे, क्या क्या ये डिजिटल में काम करती हुई दिखाई देती है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी हैज अ कंप्रहेंसिव पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट अक्रॉस ग्लोबल कंज्यूमर बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, रिस्क एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट, ग्लोबल ट्रांजेक्शन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग। तो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम है इंटेलेक्ट डिजाइन का। अगर बात करें मार्केट कैपिटल की तो 8,748 करोड़, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है, बट कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो याद रखिएगा, तो ऐसी कंपनी ही आगे चल के यहाँ पर जो अभी 8,748 करोड़ की कंपनी है, शायद 5 से 10 साल के बाद यहाँ पर 80,000 करोड़ की कंपनी हो, तो ऐसी कंपनी बनती है, याद रखिएगा। तो पीई की बात करें, कंपनी का पीई 27 है। बात करें यहाँ पर आरओसी, आरओई काफी बेहतरीन है 21.6% का। इसके अलावा हाई की बात करें, 892 यहाँ पर हाई दिख गया था, 650 रुपए पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, लगभग अभी भी 250 रुपए यहाँ पर नीचे यहाँ पर शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं कि कंपनी कितना बेहतरीन यहाँ पर चार्ट पैटर्न है, और यहाँ पर 51 रुपए का शेयर यहाँ पर 20 मार्च 2020 को चल रहा है,
रहा था, और यहाँ पर 51 रुपए का शेयर यहाँ पर 992 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, अबाउट 892 तक, 900 रुपए तक लगभग। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है। कंपनी का बस बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, कंपनी वो भी यहाँ पर नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम नीचे आते हैं तो नंबर आपके सामने है। कंपनी का देखिए कंसिस्टेंसी यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी है नंबर की ग्रोथ में। सेल्स की बात करें हाईएस्ट एवर सेल्स आई है इस क्वार्टर में 452 करोड़ रुपीज की। एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्सपेंस 337 करोड़ का एक्सपेंस है, और यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे हाईएस्ट एवर है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 79 करोड़ का, जो कि एक लास्ट क्वार्टर में 74 था वो 79 हो गया, एक साल पहले 59 था अभी 79। तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, यहाँ पर रेवेन्यू है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी ही कंपनी चाहिए जहाँ पर ग्रोथ आपको नजर आए। इसके अलावा बात करते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस देख सकते हैं 2015 में 609 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल्स थी, जो कि अभी 1640 करोड़ रुपए की पिछले 12 महीने में सेल्स हुई है। नेट प्रॉफिट जो कि यहाँ पर घाटे में चल रही थी कंपनी 2018 से प्रॉफिट में आई, और अभी का जो प्रॉफिट है मार्च फाइनेंशियल ईयर 21 का यहाँ पर 263 करोड़, और यहाँ पर पिछले 12 महीने में 314 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो कंपनी जहाँ पर कंसिस्टेंट ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है, ऐसी ही कंपनी यहाँ पर आपको करोड़पति बनाती है, याद रखिएगा। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 570 करोड़ का रिजर्व्स 1518 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो गए हैं। बोरिंग की बात करें, कंपनी की बोरिंग कम होती हुई नजर आ रही है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो कंपनी की अभी की बात करें 28 करोड़ की बोरिंग रह गई है मात्र, कहाँ एक साल पहले यहाँ पर 300 करोड़ की बोरिंग थी। वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपए, ओके इन्वेस्टमेंट 201 करोड़ रुपए का। कैश की बात करें कंपनी यहाँ 95 करोड़ का कैश है, जो भी पैसे आते हैं बुक में दिखाई देते हैं, और इस बार के फाइनेंशियल ईयर में 463 करोड़ रुपए कैश फ्लो आया था, याद रखिए। यहाँ पर और भी कुछ चीज की बात करें ROCE की, तो कंपनी का ROCE 22% है, हाईएस्ट एवर पे ROCE चल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले 0.23 थी, फिर 0.05 हुई, अभी 30.96% की होल्डिंग है, फिर भी अच्छी खासी होल्डिंग है, इसे बेकार होल्डिंग नहीं कहेंगे। FIs की बात करें, FIs ने पहले होल्डिंग बढ़ाई थी, इस क्वार्टर में थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है उन्होंने 0.something% की, बट यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग FIs भी होल्ड करते हैं। DIs की बात करें, DIs के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 2.33, और पब्लिक की बात करें, पब्लिक गैस पे यहाँ पर 39.88 लगभग 40% की होल्डिंग नजर आती है। 40 में से भी यहाँ पर अगर हम बात करें, आप यहाँ पर 6% की होल्डिंग यहाँ पर घटा देंगे तो लगभग यहाँ पर आपके पास 33% तक की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, कि किसके पास है, यहाँ पर पब्लिक के पास है, इसमें भी बड़े बड़े लोग ही है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी अच्छे खासे फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स काफी अच्छे खासे सपोर्ट करते हैं ईयरली क्वार्टरली बेस पे, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है, कंपनी बैंकिंग सेक्टर को यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, और वो भी बड़े बड़े बैंक को। तो यहाँ पर अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर आगे बूम करना ही है, आगे और भी डिजिटलाइजेशन होना ही है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पे, तो अगर हम चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी मार्च 2021 से लेके अभी तक, तो लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें 9 महीने हो चुके हैं, ओके 8 से 9 महीने हो चुके, एक ही यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम ये शेयर जब यहाँ पर चल रहा था 700 के आसपास, मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था, और उसके बाद शेयर यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया 885 पे, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर मैसिव गिरावट होती हुई दिखाई दी आफ्टर रिजल्ट अच्छे खासे थे, हाईएस्ट एवर थे, बट स्टिल ऑपरेटर्स का गेम प्लान होता है, भगाते हैं चीजें, यहाँ पर बेचते हैं और फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर खरीदते हैं, यहाँ पर अब खरीदेंगे और अच्छा खासा भगाते हुए नजर आएंगे। कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 महीने पहले, एक चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर बात करें टेनला प्लेटफॉर्म का, टेनला प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा था, इसी तरीके से ये शेयर यहाँ पर काफी टाइम से यहाँ पर एक ही रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 800 के आसपास यहाँ पर आपको ये वीडियो बना के दी गई थी, और यहाँ बात करें तो इसके बाद जो शेयर ने यहाँ पर एक महीने के अंदर अंदर 800 रुपए का यहाँ पर पैसे डबल कर दिए, मतलब 800 का 1600 रुपए होते हुए नजर आए, तो 100% के रिटर्न आपको यहाँ पर कितने दिनों के, 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको 100% के रिटर्न मिलते हुए नजर आए। इसी तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना रहा है कौन, इंटेलेक्ट डिजाइन की बात करें, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे देखिए बीच बीच में यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम भी आ रहे हैं, अब अच्छे खासे वॉल्यूम आना भी शुरू हो गए कंपनी यहाँ पर दोबारा, और चीजें दोबारा इसी तरीके से एक साथ भागेगी, और एक साथ भाग के यहाँ पर अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें एक शॉर्ट टर्म का चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कप विद हैंडल पैटर्न, अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक कप बन रहा है,
इसके बाद एक यहाँ पर छोटा सा हैंडल बना था वो नजर आ रहा है, और जैसे ये कप विद हैंडल पैटर्न जितने भी ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न होते हैं ना, ये हमेशा सूनर और लेटर यहाँ पर पूरा अपना टारगेट अचीव करके ही आते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मैं आपको इस चीज को बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हमारा क्या निकल के आता है, पहला टारगेट निकल के आता है ये जो इसका हाईएस्ट एवर है 889 को यहाँ पर इसने क्रॉस किया, तो याद रखिएगा 1000 से पहले नहीं रोकने वाला, और बल्कि मोर देन 1000 ये जाता हुआ दिखाई देगा। दूसरा टारगेट फिर अपना जो अभी ये बनाता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करें कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न यहाँ पर ये 30 लगभग 37% के रिटर्न है, जो कि मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में आ जाने चाहिए। और यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है ये आ रहा है कितना 44% तक के रिटर्न, 45% के रिटर्न। अगर ये 45% के रिटर्न आपको एक साल के अंदर भी मिल गए तो 40% की CAGR होती है। 40% की CAGR का मतलब है कि 10 लाख रुपीज 1000 करोड़ रुपीज में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से आप चलेंगे तो 20 साल के अंदर अंदर तो इसी तरीके से यही अपनी स्ट्रेटेजी अपना के यहाँ पर काम करेंगे ना, तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो एक यही चार्ट पैटर्न नहीं, और भी यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी बनता हुआ नजर आया था बट ये फ्लॉप होता हुआ नजर आया। अब ये बनेगा ये चार्ट पैटर्न दोबारा, जब ये वाला चार्ट पैटर्न बनेगा तो और पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अच्छा खासा एक यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये कब बना रहा है, कब बनाने का ये हैंडल बना रहा है, सेम यही टारगेट आएंगे। तो सबसे पहला ये एक इस लेवल को अगर इसने निकाला तो याद रखिएगा ये जो शेयर है शूट होता हुआ नजर आएगा, ऊपर की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, और शायद ये 1000 और 1000 से ऊपर के टारगेट यहाँ पर नजर आए। तो 40-45% और 100 तक के परसेंट के रिटर्न भी, क्योंकि ऑपरेटर जब भगाना चालू करते किसी शेयर को तो इसी तरीके से भगाते हैं, याद रखिएगा। तो अभी बाइंग करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, लास्ट में अगर बाइंग करेंगे फिर ऊपर अटके रह जाएंगे। तो चीज़ों को नीचे खरीदना सीखिए, और नीचे कब खरीदते हैं इस तरीके से ही खरीदते हैं जो हमने यहाँ पर खरीद के रख रखा है। आपको बार बार बिरला सॉफ्ट में भी बताया था, आपको KPIT में भी बताया था, IEX में भी बताया था, अगेन यहाँ पर इंटेलेक्ट डिजाइन में बता रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए, और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, हमसे कॉन्टैक्ट करना है यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट करा सकते हैं। और इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इस आपके मोटिवेशन आपके सब्सक्रिप्शन से एज वेल एज आप हमें जितना हमें सपोर्ट करेंगे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का मन करेगा। आपको बिवेयर भी करेंगे, आपको सिखाएंगे भी, आपको साथ में लेके चलेंगे भी, और एक जो हमारी जर्नी है 1000 करोड़ की वो भी अचीव होती हुई नजर आएगी आने वाले 20 साल में। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।